लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारे देश भारत में हर साल मकर संक्रांति का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, खासकर तिल के व्यंजन। तिल की मिठाइयाँ बनाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है। पूरे देश में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व खासकर सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष विधान बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य किसी राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में आता है, धनु को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण गति की ओर बढ़ने लगता है। सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान सूर्य की एक निश्चित गति है। सूर्य की एक निश्चित गति के अनुसार सूर्य चलता है, और जब सूर्य अपनी गति से मेष राशि से शुरू होकर मीन राशि तक 12 राशियों में 360 अंश की यानी 360 डिग्री की एक परिक्रमा पूरी करते हैं, तो जब वह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो 30 डिग्री का एक अंश पूरा करके दूसरी राशि में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक राशि में सूर्य एक महीने तक रहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि की ओर प्रवेश करते हैं तो वह मकर संक्रांति के रूप में जानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव सभी 12 राशियों का परिभ्रमण समाप्त कर लेते हैं तो एक संवत्सर यानी एक वर्ष पूरा होता है। यह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश की तिथि लगभग हर वर्ष 14 जनवरी को आती है। काल गणना के अनुसार अहोरात्र का एक दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पक्ष माना जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, और दोनों को मिलाकर एक मास पूरा होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। तो आयन 2 माने जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ग्रंथों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन के समय को देवताओं की रात्रि माना जाता है। यानी कि यदि हम आयन 2 मानते हैं तो एक आयन रात्रि है और एक आयन दिन है। तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है, इसीलिए इसे शुभ माना गया है। तो मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल माना गया है। इस दिन देवताओं का दिन शुरू होता है, प्रभात काल शुरू होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अन्य कोई भी अनुष्ठान यदि किया जाता है तो उसका बेहद महत्व माना जाता है। प्राचीन मान्यता है कि संक्रांति पर किया गया दान साधारण दिनों के साधारण दिवस पर किए गए दान से कई हजार गुना पुण्य को देने वाला होता है। मकर संक्रांति से शुभ कार्यों का मुहूर्त समय प्रारंभ होने लगता है। विवाह, मुंडन, नवीन व्यापार प्रारंभ करना, गृह प्रवेश के लिए लोगों का शुभ मुहूर्त का इंतजार समाप्त होने लगता है। इस दिन को देवता 6 माह की निद्रा से जागते हैं। भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक नई शुरुआत का दिन होता है, एक नए दिन का शुरुआत, एक नए दिन की आगाज मकर संक्रांति। मान्यता है कि पवित्र माघ पास में जो व्यक्ति नित्य भगवान विष्णु की तिल से पूजा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु को तिल से पूजा करनी चाहिए, तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि मकर संक्रांति के दिन संपूर्ण भारत तिलमयी हो जाता है। चारों तरफ तिल की मिठाइयाँ सजी मिलेगी, बाजार पूरा तिल की मिठाइयों से सजा मिलता है। हर व्यक्ति तिल की मिठाई अवश्य खरीद के लाता है और घर पर भी बनाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय करने से व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन आपको सूर्य उदय के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो
तो सूर्य उदय से पहले आपको अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, सूर्य उदय से पहले आपको स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए, और फिर सूर्य उदय के दर्शन करने के पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। तो इस दिन आप स्नान इत्यादि करके उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल से अभिषेक कर सकते हैं। कुमकुम तथा लाल रंग के फूल जल में अवश्य डालें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है, तो आप इस दिन अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ दान अवश्य करिए। तो भारत में मकर संक्रांति एक विशेष उल्लास के साथ, एक विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह मकर संक्रांति, आने वाली मकर संक्रांति 2018 में आने वाली मकर संक्रांति आप सभी लोगों के लिए बेहद शुभ हो, अच्छी हो, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।